दोस्तों, अंग्रेजी में नाम लिखने का आसान तरीका। दोस्तों के रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, तो उसके कुछ रूल और नियम होते हैं कि जो हिंदी में आप नाम लिखते हैं उसी को अंग्रेजी में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो इसके रूल को फॉलो करना होता है। और आप वीडियो पे बने रहिए, आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। अंग्रेजी में नाम लिखने के लिए हिंदी में आ के स्वर में बोले जाने वाले अक्षर को अंग्रेजी में लिखते समय आ की मात्रा ए लगती है, यानी आ की जगह पर ए का प्रयोग और यूज होता है, परंतु अंतिम अक्षर पर नहीं लगती है। जैसे आ, ये मिसाल राम के लिए है कि RAM राम, तो राम में जो ए है ये आ के लिए प्रयोग हुआ है। श्याम में जो ए है ये आ की जगह पर प्रयोग हुआ है। अमर में जो ए है ये आ की जगह पर प्रयोग हुआ है। मसूरी में जो ए है वो आ की जगह पर प्रयोग हुआ है। बरेली में जो ए है वो आ की जगह पर प्रयोग हुआ है। लखनऊ में जो आ का साउंड आ रहा है वो लखनऊ, एल के बाद जो ए है वो आ की जगह पर प्रयोग हुआ। अलीगढ़, तो जी के बाद जो ए का प्रयोग हुआ है वो आ की जगह हुआ है। गाजियाबाद, जी के बाद जो ए का प्रयोग हुआ है या वाई के बाद जो ए का प्रयोग हुआ है आ की जगह पर हुआ है। वाराणसी, तो वी के बाद जो ए का प्रयोग हुआ, आर के बाद जो ए का प्रयोग हुआ आ की जगह पर हुआ है। कानपुर, तो कानपुर में के बाद जो ए का प्रयोग हुआ आ की जगह पर हुआ है। मुरादाबाद, मुरादाबाद आर के बाद जो ए का प्रयोग हुआ है आ की। आप यूं समझ लीजिए, जहाँ जहाँ पर आ का साउंड आएगा या आकार आपको नजर आए तो वहाँ पर ए का प्रयोग करके आप अंग्रेजी में नाम लिख सकते हैं। कानपुर ही को लीजिए, आकार आ रहा है, कान तो आकार आ रहा है, उसकी जगह पर ए का प्रयोग हुआ है। इस तरह सारे नाम को आप देखते चलिए। जय, जे के बाद ए, नाग, एन के बाद ए, ग्वालियर, डब्ल्यू के बाद ए, आगरा, जी के बाद ए, रमेश, आर के बाद ए, ये सब आ जो स्वर है हिंदी में उसकी जगह पर ये सब प्रयोग हुआ है। अब आइए जरा हर्षई को देखते हैं, जो हिंदी में हर्षई होता है। अगर आप अंग्रेजी में उसी हर्षई की जगह कोई वर्ड यूज करेंगे तो कौन सा वर्ड होगा? जैसे हर्षई से आप लिखते हैं अमिता, तो ए के बाद एम है, एम के बाद जो आई है, तो ये हर्षई के लिए इस्तेमाल हुआ है। सरिता, आर आई, तो आई का जो प्रयोग हुआ है हर्षई के लिए हुआ। हिदायतुल्ला, एच के बाद जो आई है ये हर्षई की जगह हुआ। शिमला, एश एच आई, तो आई जो हुआ है हर्षई के लिए इस्तेमाल। शीला, तो ये शी जो है हर्षई लगा है वो आई, शीला। कृष्णा, आर आई, तो ये हर्षई की जगह इस्तेमाल हुआ। इलाहाबाद, अब जरा दुर्ग ई को भी समझ लेते हैं। जैसे सीता, तो सी में जो दुर्ग ई है उसके लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं। जहां भी दुर्ग ई हो तो उसके लिए आप डबल ई का प्रयोग। गीता, जी के बाद डबल ई है ये दुर्ग ई के लिए। रीता, डबल ई दुर्ग ई के लिए इस्तेमाल। हिंदी से अंग्रेजी में नाम लिखने के लिए कुल 12 रूल्स और नियम हैं। अगर चाहते हैं कि सारे रूल्स और नियम आप सीख जाएं तो आप हमारे वीडियो को लगातार देखिए और आप कमेंट में लिखिए कि हमें अगला वीडियो चाहिए, क्योंकि अभी पहला रूल ही बयान हुआ है।